हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11th बी क्लास 8th आरएस अग्रवाल मैथ एंड द टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम एक्सरसाइज 11A और एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट भी है क्लास 8th आरएस अग्रवाल मैथ्स नाम से, वहाँ मिल जाएंगे। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं सब उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। 11th A में हमने क्वेश्चन करे थे यूनिटरी मेथड से सिंपल इंटरेस्ट की तरह, हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के, है ना। अब 11th B सीधे हम क्या है फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे निकालेंगे, जैसे हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये है, बाई यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500, यानी कि प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल लिख लो 62,500 रुपी फॉर 2 years 4 months, टाइम अभी लिख लेंगे हम, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट दे रखा है मैं 10% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली, अभी एनुअल की चलेंगे, हाफ ईयरली की बैंक बाद में करेंगे, अभी एनुअल लिखा हुआ है। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 years 4, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया ना, 5th है 6th पढ़ गया मैं, मिक्स हो गए सवाल, अभी सही कर लेते हैं। चलो अभी निगाह चली, प्रिंसिपल ये दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 years 6 months, पहले मैं टाइम सही लिख लूँ 2 years। कभी कभी ये हो जाता है, अभी ध्यान चला गया तो ठीक है, एक दो मैं देखे पुरानी वीडियो, आधा सवाल ऊपर आधा सवाल नीचे कर लिखे, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए तो पता चला हाँ वो मिस्टेक हो गई, तो यहाँ भी मैंने नीचे वाला सवाल पढ़ लिया था। 5th में टाइम दे रखा है 2 years 5 months और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की जगह, पहले ही सवाल में मिस्टेक हो गई, 12% है, सही कर लेना। तो 2 years 6 months का मतलब क्या, 6 months आप जानते हो हाफ ईयर होता है, लिख दूं डायरेक्ट, तो ये होगा 2 whole 1/2 years। तो जब टाइम फ्रैक्शन में गिविन हो, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, है ना, उसमें क्या था लिख देते हैं, उससे आप डायरेक्ट निकालोगे, ए इज इक्वल टू पी 1 plus r upon 100 raised to the power n, ये क्या एंड टाइम होल ईयर वाला, ये 2 हाफ है, और ब्रैकेट में क्या था 1 plus r into time इन फ्रैक्शन, तो मैं tf लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, टाइम इन फ्रैक्शन का मतलब ये अपॉन 100, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब लगा दो वैल्यू, पुट कर दो तो अमाउंट निकलाएगा, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज 62,500, ये फॉर्मूला द्वारा देख लो, 1 plus r rate कितनी है 12% अपॉन 100 power n, n क्या है होल ईयर, जैसे 2 ईयर्स तो पूरे हो गए, जो मंथ वाला है उसे छोड़ दो, ईयर्स तो पूरे थे 2 ईयर्स, तो n की जगह n 2 आएगा, इन ब्रैकेट 1 plus r into time इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में टाइम दे रखा कितना 1/2, अरे r की वैल्यू लिखना भूल गए, ये 12 मान लो, 12 है ये आर की वैल्यू, ये ना क्या कटफट हो गया, 12 into 1/2 upon 100 upon 100, ये 2 से ये मैंने 6 बार कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 62,500 1, या 100 ले लिया मैंने अभी एलसीएम, तो 100 plus 12 कैंसिल अभी करते रहेंगे, यहाँ भी क्या आएगा 100 LCM, तो ये हो गया 100 plus, ये 2 से 12 था, ये आर की जगह 12 है ना, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट 12 दे रखी थी ना, तो 12 है ये, 2 से 12, 6 वाली 6 है, तो 100 plus 6, यहाँ तक क्लियर। तो ये हुआ अमाउंट 62,500, 100 प्लस 12 कितना हो गया 112 upon 100 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 106 upon 100। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाद में कैंसिल करेंगे, 62,500 112 का स्क्वायर का मतलब 112 into 112 और अपॉन में क्या, ये 100 का स्क्वायर, तो 100 into 100, और ये भी है into 106 और into 100, यहाँ तक क्लियर। तो देखो 20 से ये 20 कैंसिल कर लिए, 25 से कैंसिल, 25 into 25 होते हैं 625, और 25 4 जा 100, इस 4 से 4 बन जा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो हमने डिविजिबल टेस्ट बताया आपको, तो 4 से कैंसिल हो 1 टाइम्स, 4 2 जा 8, 3 कैरी 32, 4 8 जा
क्लियर। 25 बन जा, 25 से अगेन 4 टाइम्स कैंसिल, और 4 से फिर कैंसिल हो गया 28 टाइम्स, तो अमाउंट निकल के क्या आएगा, 28 इंटू 28 इंटू 106। अब इसमें कैलकुलेशन तो है और वो आपको करनी भी पड़ेगी, बड़ी है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये मेरी आपकी सलाह है, नहीं कैलकुलेशन आपकी खराब हुई। 28 इंटू 28 कर लो, 8 8 या 64 कैरी 6, 8 2 या 16 और 6 22, और 28 2 या 56, 4 6 2 8 5 2 7 आ गया। इसमें मल्टीपल करना है हमें किसका, 106 का, तो 106 का मल्टीपल कर दो, 6 4 या 24 कैरी 2, 6 8 या 48 2 50 कैरी 1, 6 7 या 42 कैरी 1 नहीं 5 आया था, 6 4 या 24 2 48 2 5 आया था कैरी 5, 6 7 या 42 और 5 47, 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा सब, हम किससे करेंगे वन से तो वही आ जाएगा, 4 8 7 4 0 7 4 11 कैरी 1, 8 4 12 कैरी 1, 8 3 1 0 4, तो ये आंसर हो गया। तो अमाउंट हो गया 83104, यानी कि 83104 इज द अमाउंट। तो एक आंसर तो ये आ गया, कैलकुलेट द अमाउंट, तो अमाउंट विल बी 83104 रुपीज। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये आया था 83104 माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना था 62500, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे 4, 0 का 0 आ गया, और 1 से 5 में जाएंगे 11, हमने लिया क्या कहते हैं बोरो, 11 में से 5 सबट्रैक्ट करा 6, यहाँ रह गया 2 में से 2 सबट्रैक्ट करा, और 8 में से 6 गया 2, 20,604 रुपीज हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट हो गया 83,104 रुपीज। ये समझ में आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को अभी एक मेथड से और करूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ, है ना, हमने इंटरव्यू बताया था कि 2.5 ईयर मतलब कुछ ईयर पूरे हो, और हाफ ईयर से नहीं होते, 4 मंथ हो, 3 मंथ हो, 2 मंथ हो, तो उसका कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, 2 ईयर्स का पहले आप निकाल लो पूरा। तो इसी सवाल का आप दूसरा मेथड देख लीजिए, और जो आपको ईजी लगे, ईजी तो ये लगेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस करा है ना, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे उसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस मेथड से भी। दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास टाइम कितना था, 2.5 ईयर, प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए दे रखा था मैं 62,500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12% पर एनम। तो जो पूरा ईयर टू ईयर्स होल है, इतने ईयर्स का अमाउंट निकाल लो, तो फॉर फर्स्ट टू ईयर ऐसे लिख लो, फॉर फर्स्ट टू ईयर्स, पी ए है, टाइम क्या जाएगा 2 ईयर्स, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी प्लस सॉरी 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n, या n की जगह 2 आएगा। तो अमाउंट निकाल लो पहले फर्स्ट 2 ईयर्स का, प्रिंसिपल्स तो वही है 62,500, 1 प्लस 12/100 रेज टू द पावर 2, समझ में आ रही है बात। तो ये कितनी होगी 62,500, 100 ले लिया हमने एलसीएम, 100 प्लस 2 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 62,500, 112। अब अगर आपको कैंसिल करना है कर सकते हो, कैंसिल इसलिए नहीं करें, लास्ट में 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना। तो ये अमाउंट हो गया, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो अमाउंट क्या हो गया 62,500, 112 का स्क्वायर होगा तब 112 × 112 अपॉन 100 का स्क्वायर था, तो 100 × 100, 20 से 20 कैंसिल, 25 टाइम्स कैंसिल, अभी कराई था थोड़ी देर पहले, 4 बन जा, 4 से कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 8 जा 25 × 28, अभी हमने क्या मल्टीपल करा था, 25 × 28 करा था, ये रहा मेरे पास है ना, तो वही यूज कर ले रहे हैं, 28 × 28 करा था, सॉरी। तो कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, 25 × 28 करना, यहाँ से कर दो 20 वैसे हो जाएगा 25 25 होता 625 625 75, 5 5 10 0 7 2 8 1 9, 690 आ गया। क्या करा मैंने, 25 × 25 625,
और थ्री और बचा 25 बारी कर 35 से 75, तो मैंने अपने शॉर्ट तरीका लगा दिया, 625 से 75, तो ये तो 100 होना चाहिए था, 25 25 625, और 3 25 से 75, 5 5 10 7 2 9 10 की 0 हंसी लगा, 700 हुआ इसका, 700 हुआ। अब 112 से मल्टीप्ली कर दो, 112 × 7 784, चलो इतना आ गया, जब नहीं आएगा तो गोरा कैलकुलेटर चेक करेंगे, 7 8 4 0 0। तो आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट हुआ ये, आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट है वो नेक्स्ट जितना भी टाइम रहेगा कितना रहेगा, था हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ। 6 मंथ के लिए क्या वर्क करेगा, प्रिंसिपल की तरह जो पहली एक्सरसाइज में कराई थी, ध्यान है, तो लिखोगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल क्या होगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, जो आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर एज ए प्रिंसिपल वर्क करता है ना, 78,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी जो थी, 12% थी, और टी कितना हो गया हाफ ईयर, तो इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के अंदर अंदर की सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सेम होती है, हाफ ईयर का 6 मंथ, 1 साल से कम हुआ तो वही रहेगी, PRT/100, PRT की वैल्यू 1/2/100 फॉर्मूले का, 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 6 से मल्टीप्ल कर दे रहे हैं, 6 4 जा 24 कैरी, 2 6 8 जा 48, 2 50 कैरी, 5 6 7 जा 42 और 5 42 और 5 42 और 5 47, इतनी इंटरेस्ट आई। तो अब 2 साल बाद अमाउंट ये है और नेक्स्ट 6 मंथ की इंटरेस्ट ये हो गई, तो आफ्टर 2 1/2 ईयर टोटल अमाउंट क्या होगा, दिस प्लस दिस ही तो होगा, तो लिख दो आफ्टर 2 1/2 ईयर्स अमाउंट इज प्रिंसिपल क्या था 2 साल बाद, 78,400 प्लस 4704, तो 04 तो आ गए, 7 और 4 11 कैरी 1 8 4 12 और 13, 83,104। और देखो जो उस फॉर्मूले से निकाला था हमने कितना आया था, 83,104 सेम आया, तो वो दोनों ही कैसे भी करो, अब मैंने दोनों मेथड करा दिए हैं, आपकी चॉइस है कैसी भी कर सकते हो। तो सीआई तो छोड़ दूं, सीआई तो सेम आ ही जाएगा, सीआई क्योंकि ए सेम आ गया पी सेम है ही, तो सीआई क्या होगा, 83,104 माइनस प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था, 62,500, तो प्रिंसिपल सबट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 20,600। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, इसमें 4 मंथ दे रखा है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना, बात वही है, हमें फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9,000। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, ₹9,000 फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम, और जो टाइम दे रखा है 2 ईयर्स 4 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या है, 2 ईयर्स तो कंप्लीट हो, अब 4 मंथ में कितने ईयर्स होंगे, मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 4/12 मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 होल 1/3 ईयर्स, क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बात में समझ में आ गई, 2 ईयर्स का पूरा निकालेंगे और 1/3, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो फिर अमाउंट निकालें, है ना, फॉर्मूले से थोड़ा ईजी हो जाता है, जैसे हमने ये दूसरा मेथड बताया उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, फॉर्मूले से ईजी, तो फॉर्मूले से करेंगे, मैंने आपको बताया दोनों मेथड दिए, तो फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू पी 9001 + R/100 raised to the power n, कौन सी जो होल ईयर है, होल ईयर कितने 2 ईयर्स पूरे हैं, फिर ब्रैकेट में 1 + R × T फ्रैक्शन में 1/3 और फॉर्मूले का × 100/100, बस कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा 9100 एलसीएम, 0 से 0 काट सकते थे यहाँ, चलिए नहीं काटा बाद में काट लेंगे, 100 + 10 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100 × 3 300, तो 300 एलसीएम, 300 + 10, यहाँ भी 0 काट सकते थे, चलिए लास्ट नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे, तो ये हो गया 9100 10/100 का होल स्क्वायर
और ये कितना हो गया 310/300, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, तो ये क्या हुआ 9000 इंटू स्क्वायर है तो 11 इंटू 11 और 31 ये रहा, अपॉन में क्या था 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 और ये 30 ये रहा, है ना। देखो 1 2 3 थ्री जीरो से ये 1 2 3 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, ये तो कैलकुलेशन इजी हो गई। कैसे 11 इंटू 11 121 इंटू 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 93 इंटू 121 करना है, ये आंसर आ जाएगा अमाउंट, इसको यहाँ शो कर दे रहे हैं। तो हमें करना है 121 में 93 से मल्टीपल, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10, 3 और 9 6 15 कैरी 1, 9 और 3 12 कैरी 1 1, तो 11253 इट इज द आंसर। ये कितने रुपीज हो गया 11253, यानी कि 11253 हो गया आपका अमाउंट। तो अमाउंट ये निकला है आफ्टर 2 years 4 months अमाउंट विल बी 11253। नाउ वी विल कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ईजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आया है 11253 और प्रिंसिपल कितना था 9000, 11 में से 9 गए 2253 विल बी प्रिंसिपल। ओके, तो देखो फॉर्मूले से थोड़ा छोटा हो जाता सवाल, इसलिए हमने कहा था पहली एक्सरसाइज कराई थी कि ये थोड़ा लेंदी है लेकिन मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल होते हैं विदाउट फॉर्मूला। अब आपके पास फॉर्मूला भी है, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं लिखा होता है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करो या विदाउट फॉर्मूले से, जिसको जो ईजी लगता हो, फॉर्मूले से थोड़ा ईजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपी 8000, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 8000 रुपी का अमाउंट फाइंड करना है फॉर 2 years टाइम, कितना दे रखा है आपका 2 years, कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। फर्स्ट ईयर के लिए हमने R1 मान लिया, वो दे रखा है 9% और सेकेंड ईयर के लिए दे रखा है 10%। तो फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू पी, 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू वाली वीडियो बताया था, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ गया। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें 8000, 1 + R1 9/100 इंटू 1 + R2 10/100, तो कितना हो गया ये 8000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें हमने ले लिया 100 एलसीएम, 100 बन जा 100 प्लस 9, यहाँ 10 एलसीएम 10 + 1, तो कितना हो गया 8000 इंटू 100 प्लस 9 कितना हो गया 109/100, 10 + 1 कितना हो गया 11/10, देखो 1230 से 1230 कैंसिल, 8 का मल्टीपल करा 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 इंटू 11 और 11 का मल्टीपल इसमें कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 2 9 15 कैरी 1 9592 आ गया 9592। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9592, ये तो पूछा था, इट इज द आंसर, सेब ने ही पूछा था बस और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इज आनंद ऑब्टेन अ लोन ऑफ रुपी कितने हैं 1,25,000, प्रिंसिपल लिख लो 1,25,000 रुपीज फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदने के लिए उसने इतना लोन लिया, द बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, कितना है 8% पर एनम इंटरेस्ट ले रही है
बैंक चार्ज कर रही है एनुअली, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर्स? ये तो सिंपल सवाल है, टाइम कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स, सीधा सीधा फॉर्म लगा दो बस और कुछ नहीं, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन, सब कुछ दे रखा है, बस यही पूछा और कुछ नहीं पूछा है। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल 1,25,000 1 + 8/100 रेज टू द पावर 3, इसको चलिए इसको कैंसिल कर रहे हैं, 4 × 2 = 4 × 25 times, अरे बेकार करा कैंसिल, चलो कर लिया ओके। तो ये कितना हो गया, इसमें एलसीएम आएगा 25, तो ये हो गया 25 + 2 raised to the power 3, बस कैलकुलेशन होल क्यूब हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। और ये कितना हो गया, 27/25 raised to the power 3, 1,25,000 × 27 × 27 × 27 पावर 3 है ना, अपॉन में 25 का क्यूब, तो 25 × 25 × 25, तो देखो 25 बन जा और 25 × 5 = 125 होते हैं 3 0 1 2 3, क्लियर, 25 बन जा, 25 × 2 = 50, ये 200 बचा, और 25 × 8 = 200, जानते ना 25 × 4 = 100, तो 25 × 8 =, ये 8 टाइम्स कैंसिल, तो ये क्या बचा, 8 × 27 × 27 × 27, ओके। तो 27 का क्यूब आपको मालूम हो नहीं हो, मुझे तो पता है, ये होता है 29,683, क्यू आपको कम से कम 30 या 40 तक के क्यू याद होना चाहिए, और स्क्वायर 50 या 60 तक के याद होना चाहिए। 27 × 27 कर लीजिए आप, 7 है ना, और उसके बाद 27 का जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9683। अब 8 का मल्टीपल कर दें इसमें, 27 × 27 = 729 होता है, अब 8 का करो, 8 × 3 = 24 कैरी 2, 8 × 8 = 64 और 2 = 66 कैरी 6, 8 × 6 = 48 48 + 6 = 54 कैरी 5, 8 × 9 = 72 5 = 77 कैरी 7, 8 × 8 = 7 = 15, तो 157464 यानी कि 1,57,464 रुपए अमाउंट हो गया है ना। इस पे क्या पूछा था, ये पूछ रहा था कि व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर्स टू क्लियर द डेट, कौन था आनंद, तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि आनंद विल हैव टू पे, कितना करना पड़ेगा, विल हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर्स ₹157,464 तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट जब भी मैं अपलोड करूँगा वो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।